बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका। हम लेसन नंबर 50 मतलब 50 में हैं। इसके पहले पिछले दो लेसन में हमने देखा कि कैसे हम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम या स्विच कॉस्ट्यूम का प्रयोग करके स्प्राइट की कॉस्ट्यूम या बैकड्रॉप को बदल सकते हैं। स्विच कॉस्ट्यूम या स्विच बैकड्रॉप, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम या नेक्स्ट बैकड्रॉप। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम चाहते हैं कि स्प्राइट अपनी कॉस्ट्यूम को बदले जरूर, पर किसी एक या कुछ कुछ कॉस्ट्यूम्स को ना जाके छुए, मतलब उनको छोड़ दे उस नेक्स्ट कॉस्ट्यूम से। तो मैं देखता हूँ कि ऐसा जब भी होता है तो स्टूडेंट्स बहुत ही लंबा इसमें कोड लिख देते हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि कॉस्ट्यूम नंबर या नेम और ऐसे ही बैकड्रॉप नंबर या नेम का प्रयोग करके कैसे हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। मैंने यहाँ पे अनीना स्प्राइट, अनीना डांस स्प्राइट का से एक छोटा सा कोड बनाया है। मैं इसमें कहता हूँ स्विच कॉस्ट्यूम टू अनीना डांस, फॉर एवर वेट वन सेकेंड नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, तो आप देखते हैं कैसे अनीना अपनी कॉस्ट्यूम बार बार बदलते जा रही है। अब मैंने अनीना को इसलिए चुना है क्योंकि इसकी इस कॉस्ट्यूम के पास बहुत सारी इस स्प्राइट के पास माफ करिएगा बहुत सारी कॉस्ट्यूम्स हैं। इसके पास पूरी मिला के 13 कॉस्ट्यूम्स है, तो अच्छे से इसमें आप इसको दिखा सकते हैं। अब देखिए कैसे ये हर एक सेकेंड में कॉस्ट्यूम बदल रही है, क्योंकि हमने इसको बोला है वेट वन सेकेंड एंड देन नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। अब मैं आपको एक चीज से परिचित कराना चाहता हूँ, वो है लुक्स के अंदर कॉस्ट्यूम नंबर। तो अगर मान लीजिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे कि कॉस्ट्यूम नंबर अरीना का बार बार बदल रहा है, क्योंकि हमने उसको बोला हुआ है नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। अब सवाल उठता है कि कॉस्ट्यूम नंबर है क्या? आप अगर इसे कॉस्ट्यूम्स में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक नंबर लिखा है कोने में 1 2 3 4, और वही नंबर उसको हम बोलते हैं कॉस्ट्यूम नंबर। तो हमें स्प्राइट स्क्रैच दिखा रहा है कि फिलहाल वो कौन से कॉस्ट्यूम में है, और आप देखेंगे कैसे 11 12 13 पे जाके वो वापस 1 पे आ जाता है। तो अब जैसे कि कॉस्ट्यूम नंबर है, वैसे ही हम कॉस्ट्यूम नेम भी देख सकते हैं। कॉस्ट्यूम नेम होता है, मान लीजिए मैं इसी चीज को इसको नेम कर दूं और यहाँ पे इसको क्लिक कर दूं, तो आप देखें कॉस्ट्यूम नंबर के साथ कॉस्ट्यूम नेम भी आ रहा है। तो नेम होता है कॉस्ट्यूम का कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है या कि जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो हमें बता रहे हैं कि कैसे कॉस्ट्यूम का नंबर भी बदल रहा है, कॉस्ट्यूम का नेम भी बदल रहा है। अब सवाल उठता है कि मैं चाहूं कि कोई एक कॉस्ट्यूम को इसमें नेक्स्ट कॉस्ट्यूम से अलग कर दूं। इसके लिए कॉस्ट्यूम नंबर ज्यादा ज्यादा कह सकते हैं कि ज्यादा आसान हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा कि देखिए नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, अब मैं बोलता हूं कि यदि मैं चाहूं कि कॉस्ट्यूम नंबर 1 2 3 4 5 जाए, पर उसके बाद वापस 1 पे आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें एक इफ कंडीशन डाल सकता हूं। इफ कंडीशन एक गेट के जैसे होता है, इसको हम आगे जाके देखेंगे, पर मैं बोल सकता हूं इफ कॉस्ट्यूम नंबर, यहां पे मैं बोलूंगा इफ कॉस्ट्यूम नंबर, नीचे जाइए तो अगर देखेंगे कॉस्ट्यूम नंबर इज इक्वल टू, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं 6 बोल दूं, तो मैं चाहता हूं कि आप वापस कॉस्ट्यूम नंबर 1 पे चले जाइए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं स्विच कॉस्ट्यूम टू अनीना स्टांस, जो कि सबसे पहली कॉस्ट्यूम है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए इस कोड को। अब 1 2 3 4 5 और फिर वापस 1 में चलेगी। तो कैसे, आपने बाकी सारी कॉस्ट्यूम्स को पीछे छोड़ दिया। अब इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहे तो 6 के बाद आप सीधा 8 पे चले जाएं, या फिर आप कोई एक पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम को मिस करके किसी और स्प्राइट पे चले जाएं, लेकिन आपका कोड छोटा रहा, सिंपल रहा। अब यहां समझने वाली बात यह एक जरूर है कि इसमें कॉस्ट्यूम नंबर 6 पे ये क्यों नहीं जा रहा है। तो इस कोड को जरा ध्यान से देखते हैं, वो शुरू करता है 1 से, 2 3 4 5 6 होता है, परंतु हमने बोला हुआ है कि जैसे ही कॉस्ट्यूम 6 हो उसको वापस 1 कर दीजिए। तो इसलिए हमें लगता है कि 1 2 3 4 5 और 5 के बाद एकदम से 1 हो जाता है। हालांकि यहाँ पे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में तो 6 बहुत ही छोटी देर के लिए होता है, हमको दिखता नहीं है। देखिए कैसे हमने यही चीज बहुत ही छोटे से कोड में कॉस्ट्यूम नंबर का प्रयोग करके कर दिया। जैसे कॉस्ट्यूम नंबर और नेम है, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही बैकड्रॉप नंबर और नेम भी होता है। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं अपने कोड को छोटा कंसाइज रखने के लिए। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।